आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का विरोध संसद से लेकर सड़क तक शुरू हो गया है। जहां एक तरफ सदन में विपक्ष के सांसदों द्वारा लगातार बिल का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं किसान सड़कों पर उतरकर बिल का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसानों द्वारा पूरे देश में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, जिसके बाद हर जगह किसानों के साथ विपक्षी पार्टियों उनके समर्थन पर सड़क पर उतर आई है। प्रयागराज के बालसन चौराहे पर कांग्रेस पार्टी ने मौन धरना देकर प्रदर्शन किया। ईवीवी परिसर में समाजवादी पार्टी के छात्र नेता और एनयूएसआई के छात्र नेताओं ने किसान के पक्ष में सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में नारे लगाए और किसान के हित में बिल को वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि मोदी सरकार ने ये काले बिल को पास करके किसानों के हित की नहीं बल्कि उनके नुकसान पहुंचाने का काम किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की फुल्की झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। सांसद से सड़क तक पहुंची किसान बिल के विरोध, ये लड़ाई अभी और आगे तक जाए, ऐसा कहना है विपक्षी दलों का जो किसान के समर्थन पर सड़क पर उतरे हुए हैं। देखिए, यह जो हमारा आंदोलन है, यह 25 तारीख को पूरे देश के किसान संगठनों द्वारा आह्वानित है कि आज 25 तारीख को हम सभी भारत बंद करेंगे। इसी को लेकर के हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथ ही, NSY के साथ ही और तमाम दलों के साथ ही आज भारत बंद के समर्थन में यहाँ से हम लोग रैली निकाल करके बालसन चौराहे जाएंगे और अपना समर्थन उन किसान भाइयों को देंगे। सरकार को यह जानना होगा कि जो भी किसान साथी अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अब उनका जो बच्चा है वह आकर के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है और सारी चीज़ों को जान रहा है। यह जो पूंजीपतियों वाली भाजपा सरकार है, यदि हम उनकी बातें नहीं मानती हैं, MSP लागू नहीं करती और जो तीन जो विधेयक इन्होंने पास किया है जबरदस्ती तानाशाही पूर्ण करते हुए, यदि उनको वापस नहीं लिया जाता है, तो यह जो लड़ाई है सिर्फ खेतों और खलिहानों से ही नहीं लड़ी जाएगी, वरन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों हर जगह से लड़ी जाएगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष NSY, छात्र संघ उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जैसा कि मालूम है कि आज किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है आज 25 तारीख को कि भारत बंद का, हम उसको समर्थन करते हैं। जो किसान का ये बिल आया है वो एंटी फार्मर है, किसान विरोधी बिल है और इसी बिल का हम विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले हर एक छात्र कहीं ना कहीं किसान परिवार से आता है, इसलिए हम यह विरोध मार्च निकाल रहे हैं, किसानों के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं। यह मार्च किसानों के समर्थन में बालसन तक होगा। उदय प्रकाश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद। बेसिकली तो जो काल थी आज किसानों की थी और उनका काल थी विरोध प्रदर्शन का चक्का जाम का, जो इसके कार्यक्रम उनका डोमनगंज में होना था, वहाँ पे उनसे ज्ञापन ले लिया गया दोनों जगहों से। हम और ADM City साहब गए थे, वहाँ पे ज्ञापन हो गया और वहाँ से डिस्पर्स हो गए। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे कुछ लड़के थे, इकट्ठा होकर के बालसन जाना चाह रहे थे जुलूस की शक्ल में, जिनको बिल्कुल नहीं जाने दिया गया क्योंकि ये बिना अनुमति के जुलूस था और COVID-19 के निर्देशों का उल्लंघन भी होता, इसलिए इनको यहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।